असलम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आपने मेरी कल की रेसिपी इंजॉय की होगी, बनाई होगी, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज मैं आपको एक बहुत आसान सी रेसिपी बताना बता रही हूँ। आपको चीज़ें देख के अंदाज़ा हो गया होगा। आज हम बना रहे हैं दाल, मूंग की और मसूर की दाल मिक्स करके बना रहे हैं। है तो ये बहुत आम सी डिश, लेकिन आप ये ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगेगी। और हाँ, आप लोग बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कौन कौन सी रेसिपीज़ चाहिए। तो हम शुरू करते हैं मूंग और मसूर की दाल। इनको हमने मूंग की दाल को हमने हाफ कप लिया है, और मसूर की दाल को हमने 1 कप लिया है। और इसमें डालने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, उसमें एक प्याज है, ये एक प्याज है, लेकिन इसमें से आधी प्याज मैं भगार में डालूंगी और आधी प्याज में दाल के अंदर डालूंगी। और ये एक छोटा सा टमाटर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून जीरा है पिसा हुआ भुना हुआ, और 1 टीस्पून काली मिर्च है। चीज़ों को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी दाल बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमने दालें भिगो के रखी हुई थी, इन दालों को हमने पानी निकालना है और इसको पतीली के अंदर डालना है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो अब मैं ये इसको उबलते हुए पानी के अंदर मसूर की दाल डाल रही हूँ। पहले अब मैं इसके अंदर मूंग की दाल डाल रही हूँ। इन दोनों में जब अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा और उसके ऊपर एक झाग आता है, वो झाग आएगा, उसको झाग को हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद इसमें हम सारे के सारे मसाले डालेंगे। इतनी देर हमने इसको उबाल आने का इंतज़ार करना है, तो थोड़ी देर हम इंतज़ार करें। ये देखिए, अब इसके ऊपर इसमें उबाल आ गया है, और देखिए इसके ऊपर वाइट वाइट सा झाग बन रहा है। अब इस वाइट वाइट झाग को हमने सारा का सारा बाहर निकालना है, क्योंकि ये दाल के लिए अच्छा नहीं होता। इस दाल को हम निकाल देते हैं तो इससे दाल का टेस्ट में फर्क पड़ता है और दाल ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इससे हम सारा का सारा झाग बाहर निकाल देंगे। अब इस स्टेज पे जब दाल थोड़ी सी गल गई है, तो अब हम इसके अंदर सारे के सारे मसाले डालेंगे। मिर्ची डाली हमने, जीरा डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, टमाटर, हल्दी और नमक डाल दिया। अब इसको गलने तक पकने देंगे। तो कुछ देर इंतज़ार करते हैं और मिलते हैं दाल के पकने के बाद। ये हमारी दाल तैयार हो गई है, ये देखें। इसके बाद इसको देखें, हमने इतना गाढ़ा रखा है मैंने, चावलों के साथ हमने दाल खानी है। अगर आपको और पतला चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर उबाल सकते हैं। अब इसके अंदर हमने बघार डालना है, तो बघार डालने के लिए हमने साथ में फ्राई पैन में तेल डाल लिया। तो इस फ्राई पैन में अब हम प्याज डालेंगे, बाजू और खाली लहसुन का बघार देते हैं। अगर आप लहसुन का बघार देना चाहते हैं तो लहसुन का भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे प्याज जीरे का और मिर्च का बघार ज़्यादा पसंद है। अब ये प्याज को हम ब्राउन करेंगे। प्याज जब लाइट सी ब्राउन हो जाएगी, तो हम इसमें जीरा और लाल मिर्च डालेंगे। मैं आज लंबी वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास गोल मिर्च इस वक्त नहीं है, तो मैं लंबी वाली लाल मिर्च डालूँगी। देखिए प्याज हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब इसमें साथ ही मिर्ची और जीरा दोनों डाल दें। ये देखें, हमारा बघार तैयार हो गया। और अब इस बघार को हम दाल के अंदर डाल देंगे।
ये मैंने दाल में बघार डाल दी है, और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची भी आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। और ये हमारी दाल तैयार है और इसके साथ हमारे चावल भी तैयार हैं। अब आप इस सर्दी के मौसम में ठंडी ठंडी उसमें मौसम में गरम गरम दाल के साथ और गरम गरम चावल के साथ इंजॉय करें, खुद भी बनाएं और दूसरों को भी खिलाएं और तारीफें हासिल करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक भी करें और कमेंट भी करें। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो बताएं, और जो आप खाना चाहते हैं उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।